जो हमारी जो कोर कमेटी है वो सरकार से बात करेगी, जो प्रतिमंडल जाएगा, अगर सहमति बनती है तो ठीक है, वरना हम सीएम हाउस कुछ करेंगे। आज हम आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात हमारी ये है कि हमारी जो 11 मांगे हैं, जिसमें आरक्षण सहित हमारे भाइयों पे जो मुकदमे हैं उनको वापस ली जाए, उन्हीं मांगों को लेकर आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और उन्हीं मांगों को, 11 मांगों में सबसे पहले हमारी मांग यही है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, सभी समाजों को आरक्षण मिलना चाहिए, सर्व समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा है कि जो पिछले जो हमने आंदोलन किए हैं, उन आंदोलन में जितने भी केस मुकदमे हुए हैं, उन सारे मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए और महात्मा फुले फाउंडेशन बनना चाहिए। ऐसी हमारी टोटल 11 सूत्रीय मांगे हैं, वो आप तक हम लेटर के माध्यम से पहुंचा देते हैं और पहुंचा दिए गए हैं। हमने पहले ये मांग रखी है कि हमारा ओबीसी का वर्गीकरण होना चाहिए, मतलब जनसंख्या की जनगणना होनी चाहिए। जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक हमारे को आरक्षण कैसे मिलेगा? तो ये उन्होंने किया भी है, कल उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है बाकायदा कि उनका जनगणना कराई, जातिगत जनगणना कराई जाएगी। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमें आरक्षण नहीं मिल पाएगा। और उसी को लेकर कल मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता भी वो सकारात्मक भी थी, लेकिन आज यहाँ पर जो हम आए हैं वो हमारा स्पष्ट है कि हमें कुछ मिलना चाहिए, जो हमारे मुकदमे वापस होने चाहिए, जो हमारी जो कोर कमेटी है वो सरकार से बात करेगी, जो प्रतिमंडल जाएगा, अगर सहमति बनती है तो ठीक है, वरना हम सीएम हाउस कुछ करेंगे। चुनावी साल के क्या मतलब है? मांग है हमारी, चाहिए भाई, सबको मांगने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है। ये तो हमारा मूल अधिकार है, हनन थोड़ी करोगे आप भाई। हमें तो मांगने आए हैं, लेके जाएंगे प्यार से, दो तो ठीक है, नहीं बेरा जी लेके जाएंगे, वरना हमारे मुरलाल जी देखे बैठ आएंगे और एक बार आहन कर देंगे, यहाँ से ही हाईवे बंद कर देंगे। हमारा क्या है, देखो अभी हमारे 11 लोगों की कमेटी जाएगी, सरकार से सहमति बनती है तो ठीक है, वरना सीएम हाउस पूछ करेंगे। अभी तक कोई आया सरकार का आपकी तरफ? अभी तो मैं आया हूँ, आपके सामने आते ही तो आपने मुझे माइक लगती है। हम लोग माली सैनी समाज से 10 साल से सरकार से मांगे कर रहे थे, लाखों ज्ञापन दिए, बहुत बड़ी महासभाएं की और कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, मंत्रियों से वार्ता हुई, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में जो 12% आरक्षण माली सैनी समाज के लिए जो मांगा जा रहा था उस पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब आपको, हम सबको पता है कि चुनाव आने वाला है और सरकार ने जो वादे किए थे, हमसे जो वादे किए थे कि हमने लिखा था कि आप जनसंख्या के अनुपात में 12% आरक्षण हमें अलग से दो, क्योंकि हम किसी का हिस्सा नहीं मांग रहे, ना हमें ओबीसी का चाहिए, ना एसटी का चाहिए, ना एससी का चाहिए, ना मतलब ये कि EWS चाहिए, ना SBC चाहिए, MBC चाहिए, लेकिन हम चाहते कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारे समाज भी गरीब है, हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार से कई बार वार्ता हुई और सरकार ने आश्वासन भी दिया और हमने एक मांग रखी कि कई बार आंदोलन किए राजस्थान में और आपने मुकदमा लगाए, तो जो 6 FIR सरकार ने किए हैं हमारे ऊपर, उन मुकदमों को वापस ले सरकार और आरक्षण का फैसला करे सरकार। और यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो जो कोर कमेटी है वो बैठेगी, अगली रणनीति पर बात करेगी। आप जानते हो जैसे ही चुनाव आता है सरकारें अपना वादा करना चालू कर देती हैं, लेकिन हमारा 10 साल का मुद्दा है, वादे पे थोड़ी चलेगा। आप